हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। हम जानते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक विच कंट्रोल ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। मींस हमारी कंट्री की जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। तो वो रेगुलेट करता है जितने भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे देश में, जितने भी वाणिज्य बैंक है, उन सबको कंट्रोल करता है। तो वो सेंट्रल बैंक को जानने के लिए उसके फंक्शन जानने बहुत जरूरी है। मींस बेसिकली व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो है जो सेंट्रल बैंक करता है, जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, जो एक्चुअली में सेंट्रल बैंक के फंक्शन है, वो ही बेसिकली सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? इट इज एन एपेक्स बैंक तो है ही है, बट व्हाट इट डज, ये करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, आइए पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को जानने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। देखिए, फर्स्ट वन, इशूइंग ऑफ नोट्स। सेंट्रल बैंक हैज ओनली अथॉरिटी, इट हैज ओनली लीगल टेंडर टू इशू करेंसी नोट्स। जितने भी देश में करेंसी नोट्स छापे जाते हैं, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही पावर है, सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है उस नोटों को छापने का। नो अदर बैंक हैज लीगल टेंडर। किसी बैंक के पास कोई टेंडर नहीं है, किसी बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इसी फंक्शन से इस बैंक को बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता था। सेंट्रल बैंक को इनिशियल में बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता था, क्योंकि इसके पास ही पावर है नोट इशू करने की। तो इसलिए इसको सबसे पहले बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज व्हाट, इशूइंग ऑफ नोट्स, या इसको हम बोल सकते हैं बैंक ऑफ इशू, बिकॉज इट हैज द ओनली अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी नोट इन एन इकॉनमी। दूसरा फंक्शन आता है सेंट्रल बैंक का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। वी नो सेंट्रल बैंक इज द गवर्नमेंट्स बैंक। सेंट्रल बैंक इज द गवर्नमेंट्स बैंक। व्हाई इट इज द गवर्नमेंट्स बैंक? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए बैंक है, हमारे लिए बैंक है, आपके लिए बैंक है, वो क्यों बैंक है? क्योंकि जो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ऐसी संस्था जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन एडवांस करती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कस्टमर के लिए क्या होती है, बैंक होती है। द सेम फंक्शन हैज बीन परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सेम फंक्शन वो परफॉर्म करती है, मीन्स गवर्नमेंट के डिपॉजिट जमा करती है, गवर्नमेंट को टाइम टाइम लोन वो देती है। देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे कोर्स में जो हमने जब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़े थे, उसमें सिर्फ प्राइमरी फंक्शन हमारे कोर्स में है। वैसे सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं, बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, बट एक्चुअली में कमर्शियल बैंक हमारे लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे वो हमारे एक तरह का एजेंट है, टाइम टू टाइम हमें गाइड करती रहती है। तो ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का एजेंट है, वो टाइम पर टाइम गवर्नमेंट को गाइड करती रहती है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपको बनानी है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, उसको काफी हद तक गाइड करता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी बनाती है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, टाइम टू टाइम इसकी सिक्योरिटीज बेचना खरीदना सब सेंट्रल बैंक रोल अदा करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली है क्या सेंट्रल बैंक, क्या है सेंट्रल बैंक? गवर्नमेंट का बैंक है। और देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो खजाना है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो कहाँ जमा होता है? सेंट्रल बैंक में जमा होता है। और साथ साथ में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। लोन कैसे प्रोवाइड करता है, याद है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, या हम कह सकते हैं कि इन दैट टाइम वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो ऐसा होता है गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। तो होता क्या है, क्या होता है कि वहां पर गवर्नमेंट कहती है आरबीआई से, मीन्स सेंट्रल बैंक से, कि आप नोट छापिए और नोट छाप के मुझे फाइनेंस कीजिए। दैट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। आप जानते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट ही तो है, गवर्नमेंट को फाइनेंस करना ही तो है। तो इट मीन्स सेंट्रल बैंक ने डिपोजिट भी जमा करा गवर्नमेंट का और लोन भी प्रोवाइड करा गवर्नमेंट को। तो हिसाब से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब पढ़ते हैं थर्ड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। थर्ड फंक्शन है बैंकर टू द बैंक एंड सुपरविजन टू द बैंक। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। क्यों है? क्योंकि सेंट्रल बैंक जो फंक्शन गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करता है,
कि गवर्नमेंट का डिपॉजिट जमा करता है, गवर्नमेंट को टाइम बाय टाइम लोन देता है, वही सेम फंक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक. दैट इज व्हाई इट इज बैंकर्स बैंक, दैट इज व्हाई इट इज कमर्शियल बैंक्स बैंक. तो कमर्शियल बैंक का बैंक क्यों है, क्योंकि वो टाइम बाय टाइम कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का रोल अदा करता है और ये साथ साथ में सुपरविजन भी करता रहता है. सबसे पहले बैंकर्स बैंक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कमर्शियल बैंक के खाते सेंट्रल बैंक में होते हैं, तो डिपॉजिट तो उनका वहां जमा हो जाता है. साथ में वो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन प्रदान करते रहते हैं. तो इसने रोल अदा करा बैंकर्स बैंक का. ऑन द अदर हैंड सुपरविजन टू द बैंक कैसे हो गया, टाइम पर टाइम कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता रहता है. मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता रहता है. सुपरविजन बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, कि कोई भी बैंक का लाइसेंस है या नहीं है, कोई भी बैंक कहीं शहर में, आपके शहर में अगर कोई बैंक खुला है, हमारे शहर में कोई बैंक खुला है, कहीं पे भी अक्रॉस ऑल ओवर कंट्री एंड इवन इन अब्रॉड अगर कोई भी बैंक खुल रहा है, तो क्या उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, परमिशन उसने ली है या नहीं ली है. आपस में दो बैंक मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या वो परमिशन से मिल रहे हैं या अपने आप ही मिल गए, या कोई बैंक कितना लिक्विडेशन हो रहा है, कोई बैंक बंद हो रहा है, कोई बैंक खुल रहा है, कोई बैंक बढ़ रहा है, कोई बैंक घट रहा है, हर चीज का सुपरविजन कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक करता है, कि क्या ये परमिशन से हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. और सुपरविजन करता है जो भी रूल्स और रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए करता है कि ओबे आपको करना ही करना है. तो क्या कमर्शियल बैंक उसको ओबे करता है या नहीं करता है, दैट सुपरविजन इज डन बाय द सेंट्रल बैंक. और इसी तरह से इट इज बैंकर्स बैंक एंड it also performs as a supervisory function to the commercial bank. ये हो गया हमारा third function. अब fourth function पढ़ते हैं central bank का, बहुत ही important function है. This is lender of the last resort. Lender of the last resort. Resort means क्या होता है? Resort means होता है एक तरह का घर, विकल्प. कि lender मतलब पैसे देने वाला. जब economy में कुछ financial crisis चल रहे, तो लोग ना अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं बैंक में से, क्योंकि बैंक लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता बैंक के ऊपर कि कभी ये पैसा मेरा मारना नहीं, कभी मेरा पैसा डूब ना जाए. तो उस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मंदी छा रही है, तो उनको लगता है कभी बैंक भी हमारा पैसा लेके चला गया तो हम पे दो लात और पड़ जाएगी, तो वो बैंक में से पैसा निकाल लेता है इनसिक्योरिटी की वजह से, या उसके पास बेसिकली पैसे है ही नहीं, इस वजह से पैसे निकाल लेता है. हम ये बात जानते हैं कि देश में कमर्शियल बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि अभी हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक को पढ़ा था कि कुछ कैश रिजर्व से कई गुना वो लोन प्रोवाइड कर देता है और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, जिन लोगों के पास टैलेंट है उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है प्रोडक्शन करने के लिए. जब वो प्रोडक्शन करते हैं रोजगारी बढ़ाते हैं इनकम बढ़ाते हैं. मगर ये प्रोसेस तब पड़ेगा जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे. मगर जब हम बैंक में से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो बैंक क्या होता है कि बैंक का भी जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है. तो बैंक बंद होने के कगार पे हो जाते हैं. जब वो बैंक बंद होने के कगार पे हो जाते हैं तो सेंट्रल बैंक खूब भली भांति जानता है कि कमर्शियल बैंक एक तरह का क्या है, एक तरह का पहिया है. अगर वो पहिया निकल गया, गाड़ी कितनी भी अच्छी होकर पहिया निकल गया या पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी चल नहीं पाएगी. तो आफ्टरऑल रोड पे गाड़ी चलानी किसने, पहिया ने चलानी है. तो वो चाहता है, वो हर वो कोशिश करता है कि जिससे कमर्शियल बैंक बंद ना हो. इसलिए कहते हैं ना डूबते को तिनके का सारा. तो दैट तिनके का सारा इज सेंट्रल बैंक, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए. तो इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट. जब कहीं से कोई विकल्प नहीं मिलता कमर्शियल बैंक को लोन लेने का, तो आखिरी में विकल्प जो बचता है वो सेंट्रल बैंक बचता है. और सेंट्रल बैंक कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बिहाफ पर उसको लोन प्रोवाइड करता है. इस कंडीशन में करता है कि जिससे देश की बैंकिंग सिस्टम बनी रह जाए, बिगड़े ना. क्योंकि कमर्शियल बैंक बंद हो गए तो बैंकिंग सिस्टम बिगड़ जाएगी तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी. क्योंकि आप फिर से समझ लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कमर्शियल बैंक का. किस तरीके से, हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं. तो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन, कि किस तरीके से वो आखिरी विकल्प एक तरह का तिनके का सहारा बन के आता है सेंट्रल बैंक, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए. अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक का फिफ्थ फंक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. हालांकि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हम इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं कई बार. देखिए, हम
एक बात जान कि ये जो इकोनॉमी है ये साइकिल के थ्रू चलती है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल, कुछ भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है साइकिल, ये साइकिल होता है यहां ऊपर होता है बूम, यहां होता है रिसेशन, रिसेशन दिस इज डिप्रेशन एंड दिस इज रिकवरी। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं इसको बोलते हैं रिकवरी, एंड यहां फिर हो गया फिर बूम, फिर रिसेशन हो गया। तो ये जो है इकोनॉमी है बिजनेस साइकिल में चलती रहती है, ऐसे बिजनेस साइकिल में चलती रहती है, दिस इज बिजनेस साइकिल। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक तरह की गाड़ी है, जो गाड़ी जितनी स्पीड से बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी स्पीड से होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर रास्ता हमारा ऐसा हुआ, हमारे हमारे ग्रोथ का रास्ता ऐसा हुआ तो गाड़ी ऐसे रास्ते में क्या तेज स्पीड से चल पाएगी? आप खुद सोचिए, जितना साइकिल फ्लक्चुएट करती रहेगी, जितनी बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करेगी उतनी ही स्पीड स्लो हो जाएगी, बस इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही स्लो हो जाएगी जितना बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद फिर रिकवरी, फिर रिकवरी के बाद बूम। तो इकोनॉमी को चाहिए एक ऐसी रोड जो बिल्कुल फ्लैट हो, जो बिल्कुल फ्लैट हो या जिसमें फ्लक्चुएशन कम से कम हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होती है, एक सिंपल सी बात है, जब हम बूम की तरफ जा रहे होते हैं, बूम मतलब एक तरह का कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही होती है। जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक हर वो पॉलिसीज बनाता है, हर वो योजनाएं बनाता है जिससे मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। हम पढ़ भी चुके हैं मीजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मीजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन। तो बेसिकली जब हमारी साइकिल ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, जब हमारी साइकिल नीचे की तरफ जा रही है दैट इज डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जा रही है मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो हमें मनी सप्लाई मार्केट में कम करना है। तो ये जो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, किसके द्वारा करवाता है, वो कमर्शियल बैंक के द्वारा कराता है। यही तो रूल्स और रेगुलेशन, यही तो गाइडलाइंस होती है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, बेसिकली इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, कि क्रेडिट हमें कब ज्यादा देना है कब कम देना है। जब बूम का टाइम हो या जब ये दौर हो, जब ऊपर वाला दौर हो, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो क्रेडिट थोड़ा महंगा कर दिया जाएगा, लोन महंगा कर दिया जाएगा जिससे लोग लोन कम लें और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ने से कम हो जाए। इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, जब डिप्रेशन नीचे की तरफ जा रहा होगा, साइकिल नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ये है जिससे हो क्या, जिससे ऑलरेडी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो रही है तो लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेंगे, जब लोग लेंगे तो प्रोडक्शन करेंगे रोजगारी बढ़ेगी लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया, मनी सप्लाई देश में बढ़ जाएगी। तो जो साइकिल इतनी तेजी से, जो बिजनेस साइकिल इतनी फ्लक्चुएट कर रही है वो हो सकता है कम फ्लक्चुएट है। आप देख सकते हैं यहां पे कम फ्लक्चुएशन है, मगर हर इकोनॉमी का ये उद्देश्य होता है कि फ्लक्चुएशन कम से कम हो, बिल्कुल फ्लैट हो मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अब आप खुद सोचिए, जितनी फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी गाड़ी की स्पीड इसमें बहुत स्लो होगी, इसमें गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, मगर और बिल्कुल फ्लैट रोड हो, आप सोच सकते हैं हाईवे में कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इकोनॉमिक जो का रास्ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता जो है वो जितना फ्लैट होगा, इसका मतलब जितना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी फास्ट होगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कौन पैदा करता है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैदा करता है सेंट्रल बैंक, जो उसके इंस्ट्रूमेंट है जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, दैट इज वाई इट फंक्शंस एज ए कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जिस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए। अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक के सिक्स फंक्शन को, जैसे लिखा हुआ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। देखिए जितना भी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज है, भारी मुद्रा जो है, फॉरेन की मुद्रा जो है, वो कहां रखी जाती है, उसकी कस्टडी किसके पास होती है, उसकी कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास होती है, और गवर्नमेंट को उसकी कस्टडी, उसका
रिजर्व रखना बहुत जरूरी है, फॉरेन रिजर्व को रखना बहुत जरूरी है भाई। फॉरेन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है इन ऑर्डर टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। अगर हमें फॉरेन ट्रेड कहीं से कोई चीज मंगवानी है, कहीं से कोई चीज इन्वेस्टमेंट करनी है, या जैसे अभी अभी कई मान के चलिए कई चीजें हमने रशिया से डिफेंस आइटम्स मंगवाए हैं या फ्रांस से मंगवाए हैं, तो वो सबको पेमेंट देने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना बहुत जरूरी है। तो उस चीज की कस्टडी कौन रखता है? उस चीज की कस्टडी रखता है हमारा सेंट्रल बैंक। और दूसरी चीज देखिए, हम जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व रखना और क्यों जरूरी है। बहुत से बच्चे जो जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो हालांकि आप जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बेसिकली तीन दो टाइप का होता है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैंने तीन क्यों बोला, अभी मैंने तीन इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि बेसिकली हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। व्हाट इज बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? कि जब भी एक्सचेंज रेट ज्यादा हाई चला जाता है या ज्यादा लो चला जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व को खरीद कर और फॉरेन रिजर्व को बेच कर वो चीज कंट्रोल कर दी जाती है, वो चीज कंट्रोल कर दी जाती है। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट ना तो ज्यादा हाई हो और ना ज्यादा लो हो। तो उस वजह से हमने अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया है जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको आप डिटेल में फिक्स जो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में आप समझेंगे। तो मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए ना ज्यादा ज्यादा आए ना ज्यादा कम, मींस ज्यादा भी ना हो जाए कम भी ना हो जाए, इसलिए मैनेज करने के लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व का होना बहुत जरूरी है। कि ज्यादा हो जाए कम हो जाए, कब हमें फॉरेन रिजर्व खरीदना पड़ जाए, कब हमें फॉरेन रिजर्व बेचना पड़ जाए, सप्लाई करनी पड़ जाए, डिमांड करनी पड़ जाए, इस वजह से फॉरेन रिजर्व का होना बहुत जरूरी है। और भी कई अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें इस चीज की कस्टडी रखना बहुत जरूरी है। और इसकी कस्टडी कौन रखता है? इसकी कस्टडी रखता है हमारा सेंट्रल बैंक। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मीन्स कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। फिर आती है हमारा लास्ट फंक्शन, दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन बेसिकली क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए हम इस बात को तो समझते हैं कि जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए या जब जरूरत से ज्यादा पैसे की जरूरत हो जाए या मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा होता है। इन्फ्लेशन का खतरा होने का मतलब क्या है? पैसों की वैल्यू कम हो, पैसों की वैल्यू कम हो। भाई आप खुद सोचिए कि पैसा मार्केट में ज्यादा प्रिंट हो जाएगा या ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो प्रिंट करना भी पड़ेगा, तो पैसों की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। पैसों की वैल्यू कम हो जाने का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा फंक्शन रोल अदा करता है जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जिससे कम पैसों से ज्यादा ट्रांजेक्शन वाला काम हो जाए, कम पैसों से ज्यादा ट्रांजेक्शन वाला काम हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान के चलिए कि दो बैंक हैं, बैंक ए एंड बैंक बी, ये दोनों बैंक हैं। भाई और एग्जाम्पल में दो व्यक्ति हैं, एक आप और एक मैं। आपका खाता बैंक ए में, आपका खाता बैंक ए में है, मेरा खाता बैंक बी में। आपका खाता बैंक ए में है, मेरा खाता बैंक बी में। तो जब मेरा खाता बैंक बी में है, मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे किसी ने पेमेंट करी और वो जो चेक उसने दिया है, मान के चलिए आपने मुझे चेक दिया, आपने मुझे जब चेक दिया है, आपका खाता किसमें है? बैंक ए में। आप जैसे बैंक ए के चेक दोगे मुझे, तो आपने मुझे 20,000 का चेक दिया और मैंने उसको कहां लगा दिया? मैंने बैंक बी में लगा, क्योंकि मेरा खाता किसमें है? मेरा खाता बैंक बी में। तो जब 20,000 रुपए का आपने मुझे चेक दिया, आपने मुझे चेक दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? बैंक बी जो है बैंक ए से कितने पैसे डिमांड कर रहा है? बैंक बी बैंक ए को, बैंक बी को कितने पैसे देने हैं? 20,000। क्योंकि मेरा खाता बैंक बी में, बैंक बी ने बैंक ए से क्लियर करने होगा, तो बैंक ए को कितने देने हैं? 20,000 रुपए बैंक बी को। ऑन द अदर हैंड, आपको कोई चेक मिला कहीं से,
वो 30,000 रुपए का मिलना चाहिए, क्योंकि आपका खाता किसमें है, आपका खाता बैंक ए में है। मगर जिस तीसरे व्यक्ति ने, जिस तीसरे व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उसका खाता किसमें है, बैंक में, बैंक बी में। तो अब जाहिर सी बात है वो चेक किसका देगा, बैंक बी का। मगर आपका खाता किसमें है, बैंक ए में। आप किसमें लगाओगे, बैंक ए में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30,000, आपने 30,000 का चेक बैंक ए में लगाया। इट मींस बैंक ए जो है, बैंक ए जो है वो डिमांड कर रहा है बैंक बी से कितना अमाउंट, 30,000 डिमांड कर रहा है। इट मींस अगर मैं सोचें कि 20,000 रुपए बैंक ए ने बैंक बी को देने हैं और 30,000 रुपए बैंक बी ने बैंक ए को देने हैं, अब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मनी रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी वर्थ ₹50,000। जो मनी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 50,000 की जरूरत है। अब हम देखो सिंपल सी बात है, बैंक बी पहले बैंक ए पहले बैंक बी को 20,000 रुपए ट्रांसफर करें, फिर बैंक बी जो है बैंक ए को 30,000 रुपए ट्रांसफर करें। तो इसका मतलब 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट हो गई देश में पैसे की जरूरत है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास बैंक ए का भी खाता है और बैंक बी का भी खाता है, क्योंकि बैंक ए और बैंक बी कमर्शियल बैंक है। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस लगाकर उसने सिंपल सी बात करी कि भाई 10,000 रुपए सीधा बैंक बी के खाते में से डेबिट करके बैंक ए के खाते में क्रेडिट कर। तो जहां 50,000 की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी कैश की, पैसों की, वहां उसने 10,000 से काम चला, वहां उसने 10,000 का काम चला। तो ये क्या फंक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा पैसों का काम कम पैसों में कर दिया। किस फंक्शन से, दिस फंक्शन इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम पैसा प्रिंट करने से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाना, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और जो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। सेंट्रल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही ईजी फंक्शन भी है। एक बार वीडियो को ढंग से देखिएगा, कोई समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।